हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ग्रो फिटनेस क्लब। तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। क्या कि कोई बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ने कुछ क्या बोलते हैं अचीवमेंट के तौर पे कोई आपके लिए कुछ प्रीवियस से बेहतर वीडियो नहीं लाया हूँ। एक नॉलेजेबल वीडियो है जो क्या बोलते हैं जो हमारे प्रारब्ध जो हमारे कर्म फल पर क्या बोलते हैं आधारित होता है, कि एक्चुअल में जो हम लोग वर्क करते हैं उसका जो कर्म फल है काफ़ी समय बाद मिलता है या फिर बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन हर एक मनुष्य को क्या करना चाहिए कि अपने कर्म फल का क्या बोलते हैं चिंतन ना करके अपना कर्म का चिंतन करना चाहिए। जैसे देखो दोस्तों, हम लोग ने जब 10,000 सब्सक्राइबर का क्या बोलते हैं बेस बनाया था, तो हम लोग ने ये नहीं सोचा था कि कंटिन्यूअस वीडियो होगी कि नहीं होगी, कंटेंट बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, या फिर हमारे चैनल पर जितने भी हाइट के ऑडियंस हैं जो हमारे चैनल पर सिर्फ हाइट से रिलेटेड जुड़े हुए हैं वो ऑडियंस अभी कम हो चुके हैं। क्योंकि बहुत लोग का ये मानना है कि हाइट जो है जेनेटिकली है, तो या फिर कठिन प्रयास करना पड़ता है इसलिए दोस्तों, क्योंकि एक्सरसाइज जो है इसका बहुत हार्ड होता है। बहुत लोग नॉर्मल मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, तो आपको क्या लगता है कि वो एक्सरसाइज करेंगे वही पर्टिकुलर हाइट का? ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस के लिए ही वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग को समझो, आप लोग को सोच खुले कि आप लोगों का जो सोच है जिस पर निर्धारित है कि मतलब 10 दिन एक्सरसाइज करना, 20 दिन एक्सरसाइज करना, दोस्त आर्नोल्ड को जानते ही होंगे, या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपना इंडिया का MS धोनी। आप जानते होंगे कि वो लोग जो अपना डाइट फॉलो जो करते हैं, हम लोग भी बहुत उनको फॉलो करते हैं, लेकिन 30-25% ही उन लोगों का जो डाइट है या फिर क्या बोलता हूँ एक्सरसाइज वो चीज कर पाते हैं। तो आप लोग भी कम से कम जो भी आपके अच्छे क्या बोलते हैं क्रिएटर्स हैं, क्रिकेटर्स हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई भी एक्टर हो या फिर एथलीट हो, उन लोगों को फॉलो करके प्लीज उन लोगों का लाइफस्टाइल से ज्यादा उन लोगों का दिनचर्या यानी रूटीन देखा करो, डेली रूटीन, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, और क्या बोलते हैं उनका जो मतलब जिस तरह से वो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि उनका टाइमिंग होता है सुबह में 5-7, इस लेवल का एक्सरसाइज करने के बारे में सोचो, ना कि सोशल मीडिया पे उतर के किसी का लाइफस्टाइल देख के इन्फ्लुएंस हो जाओ। क्योंकि अभी का डेट में जितना भी सोशल मीडिया पे है बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार में है, और एक्चुअल में वो लोग ही सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट करते हैं कि दुनिया में उससे खुश नसीब इंसान और कोई नहीं है। और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा कोना में, क्योंकि बहुत शोरगुल होता है हमारे यहाँ फील्ड में। आप जानते ही होंगे कि हम लोग झारखंड बिहार में रहने वाले हैं, जब तक शोरगुल नहीं होगा तब तक यहाँ का पहचान जो है दिखेगा नहीं। तो हम लोग को सपोर्ट करो दोस्तों, इसलिए क्योंकि कर्म जो है कर्म फल आपको कर्म करने से ही मिलेगा। अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति, अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को पहचानने की कोशिश करो, जो आपके अंदर की सबसे बड़ी ईश्वरीय शक्ति है, जो मतलब जो मनुष्य मोह माया संसार में जो व्यस्त रहता है, अस्त व्यस्त दिन भर सोचते रहता है ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो निष्काम कर्म से अपने लक्ष्य पे चिंतन करता है वही अपने अंदर की सबसे बड़ी ईश्वरीय शक्ति को पहचानता है। तो अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को पहचानने की कोशिश करो, कर्म आज करोगे फल एकदम मिलना ही मिलना है दोस्तों। इस कलयुग में अगर आप निष्काम कर्म करने के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करना पड़े, लेकिन गारंटी लिख कर देता हूँ, गारंटी है कि वो फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। क्योंकि मैं भी कभी कभी कुछ चीज सोचता हूँ कि मैं 1 साल पहले कोई काम किया था, देखता हूँ कि उसका रिजल्ट अभी आ रहा है। ऐसा ही होता है दोस्तों, आप लोग कर्म करो, मेहनत करो, आपके प्रारब्ध में जो लिखा है, किसी वस्तु का आना, किसी लोग का आना, या फिर कुछ बहुत बड़ा औहदे का आना, ये चीज होगा दोस्तों। बस अपने ऊपर ध्यान दो, 2024 आ रहा है, बी अलर्ट, और अपने समय को समय दो, क्योंकि अपने समय को जो इंसान समय देता है वही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ से भी बड़ा उत्तम इंसान है। तो प्लीज फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ भगवत गीता, एंड इस बार लग जाओ। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, ये सोचो, बार बार सोचो कि मुझसे ही होगा। तो यही है हमारा दोस्तों टॉपिक, कि कर्म फल पे चिंता ना करके कर्म पे ध्यान देना है, कर्म, निष्काम कर्म,
और दोस्तों, जो लक्ष्य है आपका, अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को पहचान कर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, इस टारगेट पूरा करो कि इस टारगेट तक मुझे ये चीज कंप्लीट कर लेनी है, इस टारगेट तक मेरी जो क्या बोलते हैं डाइट ऐसी होनी चाहिए, मेरी एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए। धीरे धीरे अगर पर डे भी एक पुशअप लगाते हो, कितना भी लेजी इंसान हो, पर डे अगर एक पुशअप लगाओ तो महीना में 30 पुशअप कर लोगे और साल भर में 365 366 पुशअप ऐसे ही लगाने लगोगे। हो सकता है आपसे अच्छा बेहतर बॉडी किसी का हो नहीं, तो वही चीज बता रहा हूँ दोस्तों। होगा संसार में सबके अपने कर्म के हिसाब से सबकी अच्छी अच्छी बॉडीज होती है, सबके अच्छे अच्छे डाइट होते हैं, सबके अच्छे अच्छे औहदे होते हैं, लेकिन कर्म के वजह से होते हैं। तो विदाउट कर्म अगर सोचोगे कि सोशल मीडिया जैसा सक्सेस तुरंत मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्लो प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस इज द लॉस्ट प्रोसेस। बिकॉज जितना फास्ट चलोगे गिरने की स्थिति उतनी ज्यादा बनती है, लेकिन स्लो प्रोसेस चलोगे तो मजबूती के साथ आगे बढ़ोगे अपने आप को पहचानते हुए। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रो फिटनेस क्लब को।